सो हेलो एंड वेलकम गाइस आज हम फिर से के जा रहे हैं जी टी ए सैन एंड रियाज लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मैं बूढ़ा फार्मर सीजर और उसकी गर्लफ्रेंड आ गए थे न्यू सिटी सैन फियारो और भाई यहाँ पर आकर हमें बूढ़े फार्मर ने अपनी जमा पूंजी से गराज खरीद कर दिया है जिसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे नया बिजनेस इस मिशन uh, का नाम होने वाला है वीयर फ्लावर्स इन योर हेयर इसका क्लियर मीनिंग ये है कि भाई अब हमें कुछ ऐसे फ्लावर्स अपने हेयर्स पर ऐड करने होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे हमारी सुंदरता बढ़ाएंगे मींस हमें एक बड़ी गैंग बनानी है भाई जैसे ही सीधे सीजें एंटर होता है अगर आज के अंदर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है ये सोच के भाई ये टूटी हुई छत और ये झड़े हुए प्लास्टर के साथ हम लोग क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो सबको सुनाने लग जाता है कि भाई मैं पागल था जो तुम्हारे साथ था ये था वो था सीज़र के चला जाता है और भाई पूरा फार्मर यहाँ पर करता है एक समझदारी की बात भाई हम तो वैसे भी ये बिज़नेस नहीं करने वाले हमारा बिज़नेस तो फिर भी रॉबरी रहने वाला है रॉबरी रहने वाला है मर्डर रहने वाला है ये मिशन ये जो हमारा बिज़नेस है ये संभालेंगे इस सिटी में रहने वाले कुछ कारीगर जिसको मैं जानता हूँ तो तुम तो मेरे साथ चलो और उन कारीगरों को कैर करते हैं हम अपनी टीम में ऐड भाई मेरे को बात सही लगी मैं उसके साथ छत जलने के लिए रेडी हो गया हमने गाड़ी निकाली और निकल चुके हैं इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट करके बताना कि मैं वीडियो आपको कैसी लगी क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम हर दूसरे दिन लाते रहते हैं टाइमिंग रहता है एलेवन थर्टी जिसको कभी कभी हम टू एम भी कर देते हैं एज़ पर द यूट्यूब नॉर्म्स कि वो कब ज़्यादा सजेस्ट करता है हमारी वीडियो अभी मुझे समझ में नहीं आया कि किस टाइम पर पोस्ट करने से ज़्यादा इजी रहता है अगर आप में से किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट करके बताना फ़िलहाल हम जा रहे हैं उस, उस बंदे के पास जो हमारी ग्रुप में पहला बंदा होगा जिसको सारी चीज़ें आती होंगी लाइक गाड़ी ठीक करना एंड ऑल बिकॉज़ गराज चलाने के लिए यार कारीगर होना बहुत ज़रूरी है लोग आपके गराज के पास तभी आते हैं जब उनको पता चलता है कि भाई इनके पास एक कारीगर है तो भाई हम ऑलमोस्ट उस लोकेशन पर हैं हम लोग एक हम लोग जा रहे हैं एक पेट्रोल पम्प पर यहाँ पर ऑलरेडी ये सारी रिपेयरिंग के काम होते हैं और यहाँ पर है वो बंदा जो इस बूढ़े फार्मर का लाइक जानकार है तो भाई हमने ऑन बजाया उसने सुना नहीं हमने फिर से ऑन बजा के आवाज़ दी हाँ भाई बात सुन तेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या सिर्फ काम तो कहता वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए भाई वो ऑन द स्पॉट रिजाइन देकर वो आ गया है हमारे साथ भाई इसके साथ हमारी टीम में जुड़ गया है एक और मेंबर जो कि है एक बहुत ही बेहतरीन कारीगर भाई इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है और भी टीम मेंबर्स की लेकिन उससे पहले बूढ़ा फार्मर बताता है कि भाई हमें पहले चलना है हॉस्पिटल हॉस्पिटल के पास ना एक वैन है और उस वैन में होती है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर हम उस वैन को घेर कर कभी लूटने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है उससे और भाई अभी हमें चलना चाहिए उस वैन के ऊपर नज़र रखने के लिए हमें एक बंदा मिल गया है एक बंदे से हमारा बिज़नेस स्टार्ट भी हो जाएगा और बाद में बंदे ऐड करते रहेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल उस वैन के पास चलते हैं मैं तुझे पूरा प्लान समझाता हूँ कि हमें हमारा जो अदर बिज़नेस होने वाला है अब वो क्या होने वाला है तो भाई बूढ़े फार्मर की बात मैंने मान ली है और उसकी बात मानकर हम निकल गए हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पर जाकर हमें मिलने वाला है हमारा मेन मेन काम जो कि होगा तो एक वैन रॉबरी का तो भाई हमारा जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल सामने की तरफ लोकेशन पे दिखा रहा है इसी रोड पर और जाकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहने वाली है तो भाई जैसे ही हम लोकेशन पर पहुंचे हैं यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें दिखता है ये है सेंट का मेडिकल सेंटर और यहाँ पर नीचे खड़ी है एक वैन तो एक बूढ़ा फार्मर बताता था कि बिल्कुल शांत तैरना इसको पता नहीं चलना चाहिए कोई पीछा कर रहा है और फिर उसका पीछा करके हम उसको लूट सकते हैं तो प्लान मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इस टाइप की वैन यहाँ पर चलती रहती है सैनफियारो में क्योंकि तो बाकी सिटीज़ में ऐसा नहीं था अगर यहाँ चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है हम इसको लूटने का ज़रूर ट्राई करेंगे फिलहाल इसने बताया है एक और बंदा जो कि अभी हॉट डॉग शॉप पर काम करता है वो तो एक मोमोज़ की ठेली लगा सकता है हमारे ग्राज के सामने जिससे कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और जब तक वो अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे हैं तो वो वार खड़ा होकर मोमोज़ खा सकता है मुझे बात सही लगी भाई क्योंकि जब तक वो मोमोज खा रहा होगा हम उसकी गाड़ी के कुछ पार्ट्स निकाल कर चोरी कर पाएंगे तो भाई जैसे हम उसके पास गए हैं वो भी एक ठेली पर करता था काम और उसको लगा भाई कि भाई मेरे को ठेली पर काम नहीं करना मेरे को अपना स्टार्ट करना है तो मैं रखूँगा मोमोज़ के चार कंटेनर जिसमें वेज नॉन वेज और एक पनीर मोमोज रहेंगे तो उसी के साथ भाई हम लोग करने वाले हैं नया बिज़नेस तो वो भी हमारे साथ बैठ गया है ही इज़ रेडी टू लाइक जॉइन अस उसके बाद हम लोग चले गए हैं बंदा नंबर थ्री के पास कि होने वाला है इसी सिटी से और करेगा हमारी हेल्प भाई अभी हमारे आज जो ऊपर आप मैप में देख पा रहे हो ब्लू कलर का जो डॉट है वहाँ पर हम जा जाना है भैया ना हमें जी अभी हम महंगी सिटी में आए हैं तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा टेक्निकल भी हो टेक्निकल के पास हम जाएंगे बाद में फिलहाल हम पहुंच गए हैं इस लोकेशन पे पेन्न बूढ़ा फार्मर हमें कुछ समझा रहा होता है कि भाई यू नो द ड्रिल कैसे करना है तो बूढ़ा फार्मर बता रहा है भाई कि आई थिंक इस वैन को आप भी रॉब कर सकते हैं पता है फिर मेरा मन नहीं मान रहा है फिर भी मैं बूढ़े फार्मर की बात सुनकर उस वैन के पीछे जा तो रहा हूँ बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज भाई हमें करना चाहिए या नहीं भाई फ़िलहाल हम जा रहे हैं उसी वैन वाली लोकेशन पे और देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं गाड़ी की हालत ऑलरेडी खस्ता है बीच में अगर गाड़ी फट गई तो पूरा का तो पूरा मिशन हो जाएगा ख़राब जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता पर तो फिलहाल उस वैन की लोकेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं एंड लेट्स क्या होता है ये हमारा गराज है जिसको छोड़कर हम लोग निकल गए हैं आगे और वैन की जो लोकेशन है वो इसी कॉर्नर पे दिखा रही है वैसे इसी कॉर्नर की इसी गली पे वो बंदा भी रहता है जो टेक्निकल जिसकी मैं बात कर रहा था उसके बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं और वो ड्रोन्स हमारी हेल्प करने वाले हैं ऐसा एक मिशन करने में जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे पर वो ड्रोन्स बॉम्ब से भरे हुए होते हैं और वो जहाँ हम चाहें वहाँ जा फटता है तो भाई ये है वो टेक्निकल बंदा इसके चारों तरफ देख रहे हो एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और ये बाकी सारी चीज़ें हैं ये भी हमें ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया है और फाइनली हमारी गाड़ी में बैठ गया है खबर हमारे पास तीन बंदे एक जो हमारे ड्रोन बनाएगा उससे हम लोग रॉबरी करेंगे एक हमारे पास है मोमोज़ वाला मोमोज़ वाला बनाएगा तीन टाइप के मोमोज और एक हमारे पास कारीगर जो कि सारी गाड़ियों को ठीक करे मीन्स गाड़ियों के पार्ट्स चोरी करे तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं वापस हमारे गराज में और गराज के अंदर एंट्री होते ही ये हो जाएंगे हमारी टीम के मेंबर्स तो भाई बूढ़े फार्मर ने हमें बहुत अच्छे बंदे सजेस्ट किए हैं ये तो टोपी वाला है चश्मे वाला हमेशा पता नहीं चश्मे वाले को इतना इंटेलिजेंट क्यों दिखाया जाता ये है ये टेक्निकल बंदा है ब्लू कलर वाला है हमारा जो कारीगर है वो ब्लू कलर में टोपी वाला मतलब जिसने, जिसने क्या कहते हैं उसे ब्लू कलर में जिसने आपका अमेरिका का झंडा बांधा हुआ है ना एज अ स्काफ वो बंदा है हमारा कारीगर और जो दूसरा बंदा है वो लगाएगा मोमोस की ठीली बाहर तो भाई अभी हमारी हो गई टीम कंप्लीट और उसके बाद ये जो सीधर की गर्लफ्रेंड है लाइक सिस्टर है सीजे की ये बोलते भाई मेरे को लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस समझ में आ रहा है गुड़गांव के पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग बेच के क्यों नहीं कमा सकते तो भाई सीजर का सीजर उसे ऐसे देख रहा होता है। जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी बेचने की वो ट्राई कर रही है सीजर भी छिड़ जाता है और अभी छिड़ जाता हूँ क्योंकि तो तो हमें नहीं करना भाई तू कर अपना गुड़गांव बेच सोना रोड बेच हमें नहीं मतलब हमें अभी फ़िलहाल यही बिजनेस करना है अभी तो भाई इसी के साथ मिशन को करते हैं कंप्लीट और वीडियो को करते हैं एंड आप अपने घर वालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बाय बाय